लाखों तक कैश अपने हाथ से। बस ये हाथ में तो ट्राई करो यार, डर लगता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टेंशन का जश्न। राजश्री इलायची, टेंशन का जश्न। आज मैं काम पे नहीं आएगी, खाने का देख लेना। तेरे लौंग का लश्कारा क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, कभी नोक झोंक तो कभी प्यार होता है। कैच मसाले, हर खाने की जान। सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए, सिग्नेचर अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। दिल से देश के लिए जी जान लगा देंगे हम, इस मिट्टी का दुनिया में नाम बना देंगे हम। कजारिया टाइल्स, देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं। कजारिया सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बड़े मियां छोटे मियां फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात करेंगे हावड़ा के चुनावी हंगामे की, बात पश्चिम बंगाल में मचे हावड़ा के उस हंगामे की जिसने बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से मोदी बनाम ममता की सीधी लड़ाई को हवा दे दी है। जी हां, पश्चिम बंगाल में मोदी के मिशन 40 को पूरा करने के लिए बाकी सीटों की तरह ही हावड़ा की सीट पर जीत बेहद जरूरी है, लेकिन इस पर ममता दीदी की पार्टी टीएमसी का कब्जा है, जो 2009 से हावड़ा की सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में हावड़ा में दीदी की हैट्रिक के बाद जीत के चौके को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्रिक चली है जिसने हावड़ा के चुनावी हंगामे में तड़का लगाने का काम किया है, क्योंकि बीजेपी ने टीएमसी उम्मीदवार प्रसून बैनर्जी को टक्कर देने के लिए हावड़ा के पूर्व मेयर और टीएमसी के दिग्गज नेता रहे रतिन चक्रवर्ती पर जीत का दांव लगा दिया है। हावड़ा में दीदी की हैट्रिक, क्या है मोदी के पास ट्रिक? पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार बंगाल की चुनावी लड़ाई हावड़ा में किसकी हवा बनाई? जिंदा आएगा, लोकसभा में आएगा, विपुल मार्जिन से जीत के आएगा, उसका बाद काम होगा। दीजी ने जो दिया है रतिन चक्रवर्ती जिंदे के बाद जो काम करेगा वो हावड़ा वासी जरूर अनुभव कर रहा है, वो करेगा। वो भ्रष्टाचार का सिर्फ राग लाते हैं जब भी कोई भी चुनाव आता है तो, और हमारा तृणमूल कांग्रेस का जो मुद्दा रहता है वो है विकास का। पर लगता है कि बीजेपी को हम लोग नहीं चुन पाएंगे, हम लोग टीएमसी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी का रतिन चक्रवर्ती पर्दा, टीएमसी का प्रसून बनर्जी भरोसे चुनाव। ममता दी हमारा लीडर है, अभिषेक हम लोग का लीडर है, और हम लोग का हावड़ा का जो सीनियर लोग है सबका बड़ा लीडर है। आदमी को हम बोले ये मैच हम जीतेगा, एकदम बिल्कुल नींद में है। लास्ट 15 इयर्स में हावड़ा का जो बार्निंग, जो इश्यूज, जो मुद्दे है, किसी को संसद में एक बार बोला भी नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है, रैलियां हो रही, नारेबाजी हो रही, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही। ऐसे में पश्चिम बंगाल कहां छूता रहने वाला था, क्योंकि यहां तो सीधी लड़ाई मोदी बनाम दीदी की है। 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। ये समय
विकसित भारत बनाने का है और जब भारत विकसित होगा तो बंगाल उसका बहुत बड़ा लाभार्थी होगा। बंगाल के मेरे भाई बहन उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। एमपी का नाम पे बयान लिखा मांगानी, बीजेपी को वोट दो 3000 लक्ष्मी भंडार देंगे, हम बोला 500 दिया को भी 100 दिया को भी, और कैसे तुम देंगे? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम नहीं है। अगर तुम्हारा हिम्मत है तो हर परिवार को 50,000 रुपया करके हर महीना में दो, हम देखेंगे तब, लेकिन पहले दो उसको बात बात करो। पश्चिम बंगाल में मोदी बनाम ममता की दिलचस्प जंग है, जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, वार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता की आंधी चलने वाली है, या फिर मोदी के लगातार बंगाल दौरे से बंगाल का समीकरण बदलने वाला है? मोदी मजबूत सरकार देता है कि नहीं देता है, आगे भी देगा कि नहीं देगा, और इसलिए देश की सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, काम करने वाली सरकार बनानी है। मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आज इलेक्शन असले भावता देवा, मिथ्ये कथा बोला, छलना करा। 100 দিনের কাজে ভারতবর্ষে বাংলা প্রথম ছিল, 3 বছর 100 দিনের কাজ করে জব কার্ড হোল্ডার ঝড়ে জলে ভিজে মাথায় করে মাটি বয়ে তাদের টাকা দেয়নি। আমি আপনাদের বলেছিলাম টাকা আমরা দিয়ে দেব, টাকা পেয়েছেন কি পাননি? চুনাবি মহল গরমায়া হুয়া হ্যায়, এসে মে বঙ্গাল কে সবসে পুরানি শহরো মে সে এক হাওড়া কি হাওয়া ভি চুনাবি হো চলি। হাওড়া ব্রিজ কি খ্যাতি পুরি দুনিয়া মে হ্যায়, हावड़ा को कोलकाता से हुगली नदी पर बना ब्रिज जोड़ता है। हावड़ा में रेलवे का बड़ा स्टेशन है, ये पूरे देश को रेल लाइन से जोड़ता है। अब हावड़ा और कोलकाता के स्प्लानेट के बीच मेट्रो सेवा भी शुरू हुई, हुगली नदी के नीचे बने टनल से ये मेट्रो गुजरती है, जो कि भारत में पहला मेट्रो टनल है जो नदी के नीचे से गुजरती है। ऐसे में यहाँ का चुनावी मिजाज लोकसभा के चुनाव में हावड़ा सीट को अहम बनाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से हावड़ा लोकसभा सीट अहम माने रखती है। यही पे टीएमसी पार्टी के प्रत्याशी प्रसून बनर्जी जो कि चुनावी मैदान में है, और वही दूसरी तरफ से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रतीन चक्रवर्ती को यहाँ पे चुनावी मैदान पर उतारा है। तो कह सकते हैं कि हावड़ा का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प है, और वहीं पे प्रसून बनर्जी के जो समर्थक है, जो टीएमसी के जो उनके टिकट मिलने को लेकर विरोध हो रहा था और प्रसून बनर्जी अपना जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, तो वही डॉक्टर रतीन चक्रवर्ती टीएमसी पार्टी के ही तरफ से हावड़ा के मेयर थे और उन्हें बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तो चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। बंगाल की 42 सीटों में से हावड़ा लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला, क्योंकि एक तरह से हावड़ा लोकसभा सीट पर तृणमूल के ही दो दिग्गजों के बीच सीधी लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी ने रतीन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है, जो हावड़ा नगर निगम के पूर्व मेयर रहे हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले वो तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने मौजूदा सांसद और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी प्रसून बनर्जी को टिकट दिया। वाम दलों ने सीट पर सब्यसाची चट्टोपाध्याय को टिकट दिया। ममता दी हमारा लीडर है, ओबीसी हम लोग का लीडर है, और हम लोग का हावड़ा का जो सीनियर लोग है सबको पार्टी है। आदमी को हम बोले ये मैच हम जीतेगा, ये कोई बात नहीं, हम फुटबॉलर है ना, हम बड़े खेला होगा, खेला तो होगा ही, खेला तो शुरू हो गया, वो क्या करेगा, 2 बॉल इधर उधर लगेगा, 10 गोल मार देगा, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही जानते। तो ये बात है, ठीक है, जो जो आए उसको हम वेलकम करेगा, कोई बात नहीं, जो जो हमारा विरुद्ध में आए बा उसको वेलकम करेगा, चलो देखा जाए मैदान में आएगा, जो कितना मैदान चांद है कितना जोर है तब देखेगा। एकदम बिल्कुल नींद में है, लास्ट 15 इयर्स में हावड़ा का जो बार्निंग जो इश्यूज जो मुद्दे है किसी को संसद में एक बार बोला भी नहीं, और उनको स्लीपिंग एसी स्लीपिंग पार्टनर है, ये उनको 5 इयर्स के अंदर सोचिए 4
4.45 ईयर्स उनको नींद में ही रहना पड़ता है और लास्ट 2-3 मंथ्स उन फिर आते हैं जनरल इसके पास जनता के बीच में बोलने के लिए कुछ जो हमको वोट दो, ये छोड़ के उनको और कुछ काम है नहीं। लंबे समय तक एक ही पार्टी में रहे दोनों नेता इस बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में हावड़ा की चुनावी हवा का रुख किस ओर बदलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ कांटे की टक्कर है, फैसला जनता के हाथ में है और पांचवें चरण के मतदान में 20 मई को जनता जनार्दन ये फैसला कर लेगी कि इस बार हावड़ा का हीरो किसे बनाना है। क्या लग रहा है कि हावड़ा में विकास का मुद्दा चलेगा, संदेश खाली का मुद्दा चलेगा या भ्रष्टाचार, किस पे आप लोग इस बार वोट करेंगे? मुझे लगता है कि हावड़ा में विकास का मुद्दा अहम होगा और ये 6 महीने में जो घटनाक्रम हुआ है बंगाल में ये चुनाव को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित करेगा और बीजेपी को फायदा होगा इससे। बीजेपी आएगा, मोदी आएगा, मोदी सरकार का राज चलेगा। क्या लग रहा है, प्रसून बनर्जी हैं यहाँ से चुनाव में खड़े हैं, ऑलरेडी 3 बार के सांसद हैं, तो क्या लग रहा है विकास हुआ, डेवलप हुआ? ये रहा मोदी अच्छा कर रहा काम, कोई खराब नहीं कर रहा, ये बार आएगा मोदी आएगा। दिलचस्प तो मुकाबला है ही है, तो जिसे सबको ही बोल रहा है मोदी तो मोदी के ही तो आना चाहिए। आज मोदी जो काम कर रहा है सब जगह ही तो सबको जान रहा है। हावड़ा का चुनाव में तो दीदी ही जीतेगी और हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, आम जनता का जितना हो सके हम लोग उनका हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाके वो लोग का प्रॉब्लम भी पूछ रहे हैं कि आप लोग का क्या जरूरत है, हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या लग रहा है कि देखिए बीजेपी मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई ये तो दिल्ली का है, हमको जिताइए हम विकास करेंगे, तो दीदी मुख्यमंत्री है, दीदी भी कह रहे हैं कि हमने लक्की भंडार 500 से 1000 रुपया कर दिए, तो क्या लगेगा इसका असर दिखेगा? आपका भी बढ़ा है 500 से 1000 हुआ है? नहीं मेरा अभी तक लक्की भंडार नहीं हुआ है। दीदी तो मतलब असर दिखेगा इसका, दिखेगा दिखेगा, जनता के भी दिख रहा है। हाँ, तृणमूल ने 2024 में इस सीट से निर्वर्तमान सांसद प्रसून बनर्जी को उम्मीदवार बनाया। प्रसून को टिकट देने के विरोध में ममता बनर्जी के भाई स्वपन बनर्जी भी शामिल हो गए। उनसे नाराज होकर ममता ने कहा कि उनका अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बाद में स्वपन बनर्जी ने अपना सुर नरम कर लिया। अब देखते हैं कि क्या तृणमूल 2009 में जीती सीटें बरकरार रख पाती है या नहीं। हम तो जो नहीं हो हम क्या बोलेगा, जो बोला बोल सकता है, सब कोई हमको प्यार नहीं कर सकते, ये होता ही है, तो हम कुछ बोले नहीं, हम चुपचाप आ गया। ये लोग की दीदी बता, जो बोलना दीदी बता दिया उसको, हम देखा है बस, अब दीदी उसको बाद दीदी बता, जैसी भी प्रसून तुम करेगा अच्छा से करेगा। हम एक बात बोल रहा, हमको कोई जब कोई सब कोई हमको जो जो प्यार करते सबको पास हम विनती करता है जो प्रसून बनर्जी को जिताओ, दीदी बताया था जिताना है। दादा, डॉक्टर रतीन चकुर्ती बीजेपी के उम्मीदवार हैं, टीएमसी के मेयर भी थे, टीएमसी में भला भाती जाना है, वो कह रहे हैं कि इस बार प्रसूनदा गोल नहीं गोल हम मारेंगे, क्योंकि प्रसूनदा मैदान से गायब रहते हैं और फील्ड में हम मौजूद हैं, इस बार गोल हमारे तरफ से होगी, जीतेंगे हम, क्या कहेंगे? अरे वो क्या बोलेगा, उसको साथ तो बोलने का नहीं, सबसे खराबी है हमारा पार्टी में आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रसून बनर्जी को भी तृणमूल ने उम्मीदवार बनाया था। रणदीप सेन गुप्ता ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 1999 के चुनाव में इस केंद्र पर मुख्य रूप से तृणमूल और भाजपा के बीच मुकाबला हुआ था। तृणमूल उम्मीदवार प्रसून को 5,76,711 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी रणदीप को 4,73,016 वोट मिले। दीदी का चेहरा सब पे भारी है, प्रसूनदा तीसरे बार खड़ा हो रहा है, दीदी का चेहरा हम लोग दिखाई दे रहा और विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बात आप जो बोल रहे भ्रष्टाचार बीजेपी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार है, संदेश खाली का मुद्दा, इन मुद्दे को लेकर बीजेपी आप लोगों के पास में आ रही है। एक टाइम मतलब मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा बात बोला, देखिए भ्रष्टाचार जो है बीजेपी नहीं बोलेगी, भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरे दल में राखी करो। पर लगता है कि बीजेपी मतलब बीजेपी को हम लोग नहीं चुन पाएंगे, हम लोग टीएमसी के साथ ही रहेंगे और दीदी को ही मजबूत कर पाएंगे। क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? हम मुद्दे पे वोट देंगे भाईचारा, एकता, यही। बीजेपी के हर बात को विश्वास में ले रहे हैं, बीजेपी बोल रहा है जरूर ठीक ही बोल रहा होगा। तो बीजेपी हम देख रहे हैं कि 99 में 8 सीट सिर्फ टीएमसी जीता था तृणमूल कांग्रेस, फिर भी उनको रेल मंत्री से लेके 2-3 प्रतिमंत्री सब दिया था, लेकिन आज के दिन में 18 MP बीजेपी का डायरेक्ट पद्मफूल कलर से जीत के गया है, कमल फूल।
एक भी पूरा मंत्री बंगाल को नहीं मिला। बीजेपी समझा रहा है हम लोगों को कि बंगाल का एकमात्र नेत्री बीजेपी के भी पसंदीदा जो है वो ममता बनर्जी है, क्योंकि उन्हीं के दल से तोड़ा हुआ नेता लोगों को वो लेके अपना बंगाल का रणनीति सजा रहे हैं। तो जब उनका शिष्य को ले रहा है गुरु को छोड़ के, तो हमको लगता है कि गुरु से अच्छा नहीं चला पाएगा। हावड़ा में बाजी कौन मारता है? क्या ममता दीदी हैट्रिक के बाद जीत का चौका लगा पाएंगे या फिर मोदी उनके विजय रथ को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए हावड़ा का समीकरण समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता इस बार बंगाल में हावड़ा की हवा ही बताए कि बंगाल में किसकी जीत की हवा चलेगी। तो पश्चिम बंगाल में इस लोकसभा चुनाव में हावड़ा लोकसभा सीट को लेकर बात करें तो दरअसल बीजेपी और टीएमसी की यहां पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आबादी के लिहाज से समझते हैं हावड़ा का समीकरण। मुस्लिम आबादी 26.2% है हावड़ा में, इसके अलावा हिंदू आबादी 72.9% और अनुसूचित जाति के 14.8% वोट यहां पर हैं। इस सब के अलावा अगर चुनावों को लेकर हम बात करें मतदाता कितने हैं यहां पर, तो पुरुष वोटर हैं करीब 7,80,218, महिला वोटरों की तादाद ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले 8,53,681, और 2019 में जो मतदान प्रतिशत रहा था हावड़ा लोकसभा का वो 74.81% रहा था। इसके अलावा अगर नतीजों को लेकर हम बात करें, समझे नतीजों को, पिछले 3 लोकसभा चुनावों को लेकर नतीजे कैसे रहे। 2009 में टीएमसी जीती 48.8% यहां पर उसे वोट मिले, जबकि बीजेपी उस वक्त में महज 3.8% वोट ही ला पाई थी। 2014 में टीएमसी को 43.8% वोट मिला, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा 22.2 पर पहुंचा, लेकिन 2009 के मुकाबले यहां पर घटा था। लेकिन 2019 में वोट परसेंटेज बढ़ा, टीएमसी का सीधी लड़ाई उस वक्त भी बीजेपी और टीएमसी की मानी जा रही थी, 47.4% वोट बैंक टीएमसी के हिस्से में आया 2019 लोकसभा में, और यहां पर 22 से बढ़कर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 38 पर पहुंच गया था। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण वाले हावड़ा नगर निगम के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। यहां पर दीदी का दबाव किस कदर है उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि यहां न सिर्फ ममता की पार्टी चुनावी हैट्रिक लगा चुकी है, बल्कि हावड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र हैं: बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, सांकराइल और पांचला। विधानसभा चुनाव 2021 में सभी 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। तो हावड़ा में क्या असर दिख रहा है, किसका मुद्दा भारी पड़े? लक्की भंडार का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हर जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं उनके घर में, हर एक के घर में आती हैं, ऐसा नहीं है कोई भी मंत्री कैब जाए, हम लोग खुद ही चेक करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। और रह गया मोदी जी के ऊपर, एक हम बात बोल रहे हैं, मोदी जी बोले हैं भ्रष्टाचार का, वो शारदा नर्मदा वाला कांड में बोल रहे हैं, लेकिन सहारा वाला तो उनके अंडर में है, तो सहारा वाला पैसा क्यों नहीं आ रहा है? अभी तक कितने पब्लिक उन्होंने पैसा रिफंड किया सहारा के लिए, एक बार रिपोर्ट दिखाए उन्होंने? क्या लग रहा है विकास का मुद्दा भारी? विकास के मुद्दे पे है सर, हम लोग विकास के मुद्दे पे, हम लोग विकास के मुद्दे पे जाएंगे, और हमारे नीतीश ममता बनर्जी के साथ में हम लोग हैं। मोदी जी कह रहे हैं नहीं हम पढ़ाएंगे, जिस तरह से पैसा लोगों के, बात छोड़ दीजिए मोदी जी का, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास ना कोई विकास का मुद्दा है ना कोई पढ़ाई का मुद्दा है, क्या मुद्दा उनके पास? हम बोले उनके मुद्दे जो होते हैं वो धर्म के आधार, धर्म के ऊपर बेस करके होते हैं, और वो भ्रष्टाचार का सिर्फ राग अलाते हैं जब भी कोई भी चुनाव आता है तो। और हमारा तृणमूल कांग्रेस का जो मुद्दा रहता है वो है विकास का, जो भी प्रकल्प आज दीदी ने पिछले 10 वर्षों में दिया है, इस सारे प्रकल्पों को आज दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि रोल मॉडल हो चुकी है ममता बनर्जी। हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में 24 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, लेकिन 2 कारणों से इस बार तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान सांसद और पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी के लिए मुकाबला कठिन होने की संभावना है। इसकी पहली वजह विपक्ष का मजबूत उम्मीदवार, और दूसरा इलाके में तृणमूल कांग्रेस के भीतर तीव्र आंतरिक गुटबाजी। दीदी ने जिस तरह से स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया है, लक्की भंडार 500 रुपया से 1000 महिलाओं के हो गया है, विकास हो रहा है बंगाल का, डेवलपमेंट हो रहा है, उस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, आपके तरफ से क्या क्या मुद्दा है जो जनता के बीच में जाएंगे? भाजपा ने डोल पॉलिटिक्स को कभी एंटरटेन किया नहीं, लेकिन हम इधर जो हावड़ा था इंडस्ट्रियल बेल्ट था, इधर बहुत बड़ा बड़ा सब इंडस्ट्री था, इधर रेमिंगटन रैंड था, इधर बार्न स्टैंडर्ड था, जीकेडब्ल्यू था, हुगली डॉक था, ब्रिज एंड रूफ था, सब
अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट और पूरा टीएमसी ने पूरा बंद कर दिया है। हम लोग फिर इनको रिवाइवल के लिए कोशिश करेंगे, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन और साथ साथ डेवलपमेंट, इधर तो डेवलपमेंट ममता जी ने कुछ किया नहीं 99 छोड़ के, तो ये डेवलपमेंट मोदी जी के आने से डबल इंजन सरकार इधर बनेगा और जरूर होगा। हावड़ा सीट पर पिछले कुछ चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रहे बीजेपी विरोधी वोट बैंक में इस बार अच्छी खासी सेंध लग सकती, जो बनर्जी के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। इस बीच चक्रवर्ती और चटर्जी अपने अभियानों के दौरान भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। हावड़ा में 15 लाख से अधिक मतदाताओं में गैर बंगाली भाषी मतदाताओं की संख्या 20% से अधिक है। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? यहाँ का निकासी का जो सिस्टम है, पानी का जो असुविधा है, अभी रास्ता में देखिए कितना भैट जो है सफा ठीक से नहीं होता है, टाइम ज्यादा ले लेते हैं, नाली जो सफा नहीं होता है, ये सब लेके तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। और दादा क्या कहिएगा आप? मोदी की वजह से ही हावड़ा मैदान मेट्रो संभव हुआ है और मोदी की वजह से विकास हो रहा है। अब की बार 400 पार एक ही काम है टीएमसी का, जो इलीगल है उसको लीगल करने का, भ्रष्टाचार दुर्नीति। हमारा रोथिंदा आएगा लोकसभा में, आएगा विपुल मार्जिन से जीत के आएगा, उसका बार काम होगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट है प्रसून बनर्जी, उसको हम बोलता है सीजन बर्ड, जब इलेक्शन आता है तो उसको दिखाई पड़ता है, इलेक्शन हो जाता है तो उसको नहीं दिखाई पड़ता है, कोई काम नहीं हो सकता होता है उसके तरफ से। तो इस बार जो डॉक्टर रोथिन चक्रवर्ती कैंडिडेट है भाजपा का, वो पहले मेयर रह चुका था यहाँ पे, टीएमसी पार्टी से ही मेयर थे। हाँ, टीएमसी पार्टी से मेयर थे, बहुत काम किया हावड़ा के लिए, ये पूरा हावड़ा शहर जानता है, इसलिए चुनाव में ये जो भाजपा से खड़ा हुआ है अभी वोट इसको मिलेगा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक राजनीतिक महाशक्ति जो भारतीय राजनीति में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। हावड़ा एक विविध जनसांख्यिकीय को दर्शाता है और पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बना हुआ है। अब 2024 में मतदाता अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए और भी अधिक उत्साहित है और इसी चुनावी संग्राम में जिस तरह से बंगाल में लगातार मोदी और ममता दीदी चुनावी अभियान में जुटे हैं, उससे बंगाल में चुनावी बवाल छिड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल में ये पॉलिटिकल खेला में क्या आने वाले वक्त में 24 के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के लिए राज्य में अगले 5 साल का रास्ता तो साफ कर दिया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव आते ही कांटे की टक्कर नजर आ रही। एक तरफ प्रधानमंत्री और उनका खेमा पूरा जोर लगा रहा है, तो वहीं दीदी ने भी अपना दांव चलना शुरू कर दिया, जीत के लिए चुनावी घोड़े खोल दिए। साफ है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे आने वाले वक्त में दिल्ली के रास्तों को बदलने का काम कर सकते हैं, जिसमें हावड़ा के इस सीट का समीकरण बड़ी और अहम भूमिका निभा सकती है। हावड़ा से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। को पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। एसोसिएट स्पॉन्सर, नजदीकी डीलर पर जाएं, UTL सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। वेलकम टू एक्स्ट्रा विनिंग।